और बात करते हैं रतन टाटा की। मुंबई से ये खबर, जहां जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। मुंबई में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और मुंबई में आज 1 दिन का राजकीय शोक भी है। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। उद्योग जगत का उज्जवल सितारा रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यवसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने उन्हें दूरदर्शी और असाधारण शख्सियत बताया है। भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। देश और दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ मिलाया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित श्री टाटा ने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे वैश्विक स्तर पर और प्रभावशाली बनाया। वे अनुभवी पेशेवरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्य अमूल्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, वह एक दूरदर्शी व्यवसायी नेता, दयालु व्यक्ति और असाधारण मानव थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन उनका योगदान केवल कॉरपोरेट सीमाओं तक सीमित नहीं रहा।
अपनी विनम्रता, करुणा और समाज को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से वह लाखों लोगों के प्रिय बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफी नजदीक से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए कहा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। जब भी मैंने उनसे मुलाकात की, उनके भारत और उसके लोगों की बेहतरी के प्रति उनके जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित किया। उनके समर्पण के कारण लाखों सपनों ने पंख पाए।